राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी विधायक होटल जेडब्ल्यू मैरियट में हैं। वहीं प्रतिदिन की तरह ही आज भी विधायकों का डेढ़ घंटे का बौद्धिक सेशन हुआ। सेशन है गांधी नेहरू मतभेद देश से ऊपर नहीं, विषय पर वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले का संबोधन है। इस सेशन में कांग्रेस निर्दलीय सहित बीटीपी के विधायक भी मौजूद हैं, लेकिन आज इस सेशन में प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि सीएम गहलोत कोरोना की स्थिति को लेकर मंत्रियों के साथ सभी जिला कलेक्टर्स से वीसी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री होटल जेडब्ल्यू मैरियट से एक साथ वीसी के माध्यम से जुड़े हैं, जिस कारण ये सभी सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? आज जो वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबले का सेशन है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे? देखिए मनीषा, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से सभी विधायकों को बाड़ेबंदी की गई है। बिल्कुल, होटल जेडब्ल्यू मैरियट में सभी विधायकों को एक साथ रखा गया है। जी, अलग अलग सेशन सभी विधायकों के लिए रखे गए हैं। रोज की नियमित रूटीन एक प्रक्रिया है, उसके तहत दोपहर को बौद्धिक सेशन रखा जाता है। इसमें अलग अलग जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कल सुप्रिया त्रिनेत्र का सेशन था अर्थव्यवस्था पर, तो आज पत्रकार है पीयूष बबेले, जिन्होंने गांधी नेहरू और पटेल पर अपनी किताब भी लिखी है, तो उनका आज सेशन रखा गया है, जिसमें मुख्य विषय जो पॉइंट है पर नेहरू पटेल मतभेद देश से ऊपर नहीं, बिल्कुल विषय पर वो अपना व्याख्यान देंगे। तमाम जो विधायक हैं वो इस सेशन में मौजूद रहेंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी है, समस्त जिला कलेक्टर के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो मंत्री है वो उस वीसी में मौजूद है। लेकिन इस जो सेशन रखा गया है पीयूष बबेले का, इसमें तमाम कांग्रेस के विधायक, निर्दलीय विधायक और जो बीटीपी के दो विधायक हैं वो इस सेशन में मौजूद हैं। जी बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो